राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त की तैयारियां लाल किले पर जोरों शोरों से चल रही हैं। भले ही कोरोना काल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 15 अगस्त हमेशा की तरह यहां से तिरंगा फहराने वाले हैं। और इस बार क्योंकि कोरोना का समय है तो लाल किले के जो इंतजाम हैं वो हर साल से हटकर हैं। हालांकि गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है उसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाने में बिल्कुल उसी तरीके से उत्साह रहेगा, उल्लास रहेगा। हालांकि अतिथियों की संख्या इस बार महज एक चौथाई की गई है। जो कुर्सियां लगाई जा रही हैं आप देख सकते हैं कि उसकी तैयारियां यहां पर चल रही हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। दो 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 गज की दूरी से कुर्सियों को लगाया जा रहा है। मेहमानों की संख्या कम कर दी गई है और इस बार जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको यहां पर बुलाया गया है, जिसमें कि दिल्ली पुलिस के करीब और दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 200 जवान शामिल हैं, जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना के संक्रमण की चपेट में आए फिर उससे बाहर निकलकर फिर से अपनी ड्यूटी पर आ चुके हैं। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, फोर्सेस का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें खास अतिथियों के तौर पर यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। बच्चों को इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह, जो कि लाल किले पर हर साल तमाम स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आते हैं और एक तिरंगे का आकार बनाते हैं, इस बार उन्हें दूर रखा गया है क्योंकि कोरोना का टाइम है और बच्चों को कोरोना के इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस समारोह से दूरी बनाने के लिए कहा गया है। और इसके साथ ही हम आपको बता सकते हैं कि लाल किले के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम नज़र आ रहे हैं, जो कि पिछले साल भी नहीं थे। उसका कारण भले ये है कि कोरोना में अतिथियों की संख्या कम है, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा सुरक्षाकर्मी यहाँ पर नज़र आएंगे। सुरक्षाकर्मियों ने इस पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया है। जगह जगह पे जो दुकानें हैं उनको सील किया जाएगा। 24 घंटे पहले वह कार्यवाही शुरू भी की जा चुकी है। जो पॉइंट्स हैं, जो टेलीफोन के खंभे हैं और जो जहाँ पर भी अगर कोई विस्फोटक चीज़ छुपाई जा सकती है तो उनकी विशेष मशीनों से जाँच की जा रही है। इस तरह के तमाम इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा एरिया साइबर पेट्रोलिंग की जद में है। करीब 300 से ज्यादा कैमरे यहां पर साइबर पेट्रोलिंग के लिए लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि राम जन्मभूमि का अभी अयोध्या में जो शिलान्यास हुआ, उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उन सबको देखते हुए आतंकी खतरा है, जिसके मद्देनजर इस बार सुरक्षा के इंतजाम पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा व्यापक रखे गए हैं, जिसमें साइबर पेट्रोलिंग प्रमुख है। और इन सब बातों के मद्देनज़र इस बार ऐसे कैमरे भी लगाए गए हैं जो आसमान से, जो एयरक्राफ्ट थ्रेट है कि किसी भी तरीके से आसमानी जरिए से जो लाल किले पर अगर कोई हमला होने की आशंका हो तो उस योजना को विफल किया जा सके। हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर आतंकी खतरे का साया है। उसकी एक बड़ी वजह है कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। दूसरी ओर धारा 370 को लागू हुए जम्मू कश्मीर में एक साल पूरा हो चुका है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि इस बार आतंकी आसमान के जरिए, यानी कि किसी एयरक्राफ्ट के जरिए, माइक्रो एयरक्राफ्ट के जरिए आतंकी हमला कर सकते हैं। जो स्वतंत्रता दिवस समारोह है, जो लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करने वाले हैं, उस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए आतंकी साजिश तैयार की जा रही है। इसके लिए किसी भी आसमानी तरीके से कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई ऑब्जेक्ट के जरिए इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा सकती है, जिसके मद्देनज़र सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षाकर्मियों का दावा है कि इस बार दिल्ली की तमाम ऊंची इमारतों पर पिछले साल की अपेक्षा स्नाइपर्स यानी कि कमांडोज ज़्यादा तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा उपकरणों और मशीन गन्स का सहारा लिया जा रहा है। इस समय हम पुलिस मुख्यालय की छत पर मौजूद हैं। यहाँ से हम आपको दिल्ली का नज़ारा दिखा सकते हैं, जिसमें इस समय सामने जो एरिया है वो लाल किले की प्राचीर यहाँ से नज़र आ रही है और उसके अलावा कनॉट प्लेस और ये जो तमाम दिल्ली की ऊंची इमारतें हैं वो यहाँ से देखी जा सकती हैं। और जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनका कहना है कि जो लाल किले के आसपास 5-7 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें तमाम ऊंची इमारतों पे कमांडोज तैनात किए जा रहे हैं। और उसके अलावा कुछ एक कैमरा, खास किस्म के कैमरा हैं जिनको लगाया जा रहा है, जो बेहद हाई रेजोल्यूशन है। उन कैमरों की नज़र आसमान की तरफ रहेगी क्योंकि अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नज़र आता है जो लाल किले की तरफ बढ़ रहा है या जिससे कोई भी सुरक्षा को थ्रेट है, उसको वहीं पे नष्ट करने के लिए मशीन गन भी तैनात की जा रही हैं, कैमरे भी तैनात किए जा रहे हैं। हम आपको एक कैमरा दिखाते हैं जो कि पुलिस मुख्यालय की छत पे लगा है। ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, इसकी निगाह आसमान पे रहती है। आसमान में हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 15 अगस्त तक दिल्ली में किसी भी प्रकार से रिमोट चलित कोई खिलौना, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और कोई भी एयर ऑब्जेक्ट के उड़ने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ पाया जाता है तो उसे उड़ाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उस ऑब्जेक्ट को नष्ट किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इस बार सबसे जो बड़ी वजह हमने आपको बताई
कि इस बार जो इनपुट मिला है वो ये है कि जो आतंकी हैं वो एयरक्राफ्ट किसी माइक्रो एयरक्राफ्ट ड्रोन या रिमोट चलित हेलीकॉप्टर के जरिए स्वतंत्रता दिवस समारोह में खलल डालने की कोशिश कर सकते हैं। कोई आतंकी हमला इस तरीके से प्लान हो सकता है जिसमें कि सुरक्षाकर्मी उसमें बहुत कुछ ना कर पाएँ, जिसके मद्देनज़र सुरक्षा एजेंसियों ने इस बार ऊँची बिल्डिंगों पर स्नाइपर्स के अलावा इस तरह के उपकरण लगाए हैं जो इस तरह के ऑब्जेक्ट पर नज़र रखें। कोई भी अगर ड्रोन या किसी भी तरीके के रिमोट चलित कोई एयरक्राफ्ट नज़र आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, ये तमाम इंतजाम है जिसके बूते सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह हर साल की तरह बिल्कुल सुरक्षित और उल्लास के साथ मनाया जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।